डिफिकल्ट है यहाँ पे ट्रक चलाना, बिकॉज यहाँ की जो इनने मैक्सिमम दे रखी है वो 70 है, लेकिन यहाँ पर मैं 50 या 60 से ऊपर नहीं जा पाती। पहनने के बाद ना मुझे थोड़ी सी जमीन नीचे नीचे सी लग रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर पैकअप करनी है, बट वो मेरे लिए ये कार ना थोड़ा सा बीच में आ रही है, सो मैंने लोगों को बोला ये कार हटा दो यहाँ से। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। वेल आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर और मैं काम पे निकल गई हूँ। इतने दिनों से ऐसा लग रहा था रोज़ बारिश होगी, लेकिन आज तो धूप इतनी तेज़ है ना, ओह गर्मी भी लग रही है आज तो। सो अभी मैं काम पर जाने लगी हूँ एंड आज का दिन काफ़ी गर्मी वाला दिन होने वाला है। सो काम मिल चुका है, ये एक ट्रेलर है जिसमें 3 डिलीवरीज होंगी, 3 डिलीवरीज का लोड होगा, बस इतना सा ही लोड है। लेकिन ट्रेलर देखो कितना ही ज़्यादा गंदा ट्रेलर है इनका, इतना ही लोड है, 3 डिलीवरियां हैं, उसके बाद फिर शायद पिकअप मिलेंगी। सो पहले इसके डोर लगा लेती हूँ। एक प्रॉब्लम जो इस ट्रेलर के साथ वो ये है कि इसका जो ये लैग को ऊपर करने वाला जो हैंडल है ये एक्चुअली इसमें जाके ना फिक्स नहीं हो रहा, मुझे लगता है इन्होंने गलत लगाया है। बस कितना भी मैं इसको आगे कर लूँ या इसको पीछे कर लूँ, बट ये यहाँ पे जाके ना फिक्स नहीं हो रहा, थोड़ी सी इसकी लेकर मेरे को थोड़ा सा टेंशन है, बिकॉज रास्ते में ये पूरा इधर उधर होता हुआ जाएगा। मैं देख रही हूँ कि कोई तो कुछ मिल जाए जहाँ पर इसको टिका सकूँ, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। ये ना इनने गलत लगाया, यहाँ इसे यहाँ होना चाहिए था, एटलीस्ट ऐसे होना चाहिए था, वहाँ कैसे होगा ना, किसी को बुला के पूछती हूँ कि शायद कुछ तरीका मिल जाए। ना जैसे काम पर आई ना डिस्पैचर ने मुझे दिया थोड़ा शेंटिंग कवर, जिसमें मुझे एक ट्रेलर कहीं से उठा के और किसी और डोर पे लगाने थे। अब उसके बाद मैं फ्री हुई हूँ तो मुझे काम मिला है, कुछ डिलीवरीज है, 3 डिलीवरीज जो एक जगह है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाके 3 डिलीवरी करनी है और मे बी उसके आगे कुछ पिकअप्स होंगी। तो देखते हैं आज का काम क्या रहता है, बिकॉज कल बहुत कम काम था, मतलब कल मेरे को सिर्फ 1 डिलीवरी और 1 पिकअप मिली थी और उसके बाद इन्होंने अराउंड 1 o'clock कह दिया था कम टू द टर्मिनल, मतलब यहाँ पर कंपनी में वापस आ जाओ। बट फिर भी मैं ट्रैफिक में फंस गई, इतना बुरा फंसी थी मैं कल ट्रैफिक में कि अराउंड मुझे आने में 3 घंटे लग गए यहाँ तक, बिकॉज मैं यहाँ से काफ़ी दूर थी। सो इस करके मेरा टाइम कल फिर भी ठीक ठाक लग गया, मतलब अगर उनके कहने पर मैं आ जाती कहीं पास में होती तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना था, बट होपफुली आज मैं अपना अच्छे से टाइम लगा सकूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी और ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप मिले। कह रहे हैं अभी कि काम थोड़ा स्लो है, इस मंथ भी थोड़ा ही स्लो है, मतलब ठीक है, बिकॉज मंडे को मेरा अच्छा खासा टाइम लगा था, ट्यूजडे को कम लगा, आज वेडनेसडे है, देखते हैं आज का क्या रहता है। ये मैं कंपनी में आई हूँ और आज मतलब यहाँ पर ये मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैं विंटर्स में आई थी यहाँ पे। सो इसमें क्या होता है कि जैसे वो ट्रक खड़ा है तो उसे ऐसे अंदर ले जाके यहाँ पे, यहाँ अंदर पूरा अंदर लेके जाना है ट्रक को और वहाँ पर वो इसका सामान निकालेंगे जो भी डिलीवरी है, और फिर वो जो गेट ओपन है ना वहीं से एग्जिट मार देना है। सो थोड़ा ये वो वाला है जगह जहाँ पर बैकअप वैकअप नहीं करनी पड़ती, जस्ट अंदर ऐसे ही ट्रक को पूरा लेके जाना होता है। अभी फिलहाल इस कंपनी में आई हूँ तो यहाँ का बैकअप का थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ बैकअप ऐसे नहीं है कि प्रॉपर बैकअप है या कुछ है, बस ऐसे ही अंदर इसको लेके जाना है ट्रक को, फिर वो सामान इसमें से जो भी पैलेट्स है वो निकालेंगे, देखते हैं आगे का। अगर ये मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आ जाओ तो मैं आ जाऊंगी, अभी तो एक सामने फ्लैट बेड खड़ा हुआ है, वो निकल जाए फिर मैं यहाँ अंदर एंट्री करती हूँ। बस सीधे सीधे ट्रक लेके आना होगा एंड उसके बाद ये लोग अपने आप ही निकाल लेंगे, अभी तो फिलहाल मैंने ना इसको स्टॉप कर दिया यहाँ पे, बस उसको शायद जाने में टाइम लगेगा, से शायद अपना सामान निकाल रहे हैं या फिर पता नहीं क्या उसके ऊपर रख रहे हैं या उतार रहे हैं, आई थिंक उतार ही रहे होंगे, उसके बाद मैंने जाना है अंदर। अच्छा उसने इशारा तो कर दिया आने का,
ये मैं जा रही हूँ अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए और ये बहुत ही थोड़ा ऐसा सा रोड है जिसपे वन लेन आने की वन जाने की है, लेकिन काफ़ी ना कर्वी से इसके वो हैं, एकदम कर्व आ जाता है इसमें, शार्प कर्व है इसके, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे ट्रक चलाना, बिकॉज यहाँ की जो इनने मैक्सिमम दे रखी है वो 70 है, लेकिन यहाँ पर मैं 50 या 60 से ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि अभी जैसे कि ये कर्व आ रहा है ना काफ़ी ही, अगर वहाँ से भी कोई ऐसे ही तेज़ी से आ रहा हो तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए बहुत संभाल के चला रही हूँ मैं। मुझे पता है मेरे पीछे एक कार आ रही है जो थोड़ी सी परेशान हो रही है बिकॉज मेरी स्पीड उतनी तेज नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज मेरे को अपने को देखकर चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रक बड़ा है और ट्रक के हिसाब से चलाऊंगी। कितना अच्छा यहाँ का व्यू है सारा, यहाँ पर चारों तरफ खेत हैं, बीच में लोगों के अपने घर हैं। सो मैं ये आ गई हूँ कंपनी में, इन्हीं सारे जो वैसे पहाड़ी से रोड थे उनके बीच में एक कंपनी भी आई है। अच्छा इन्होंने गेट खोल ही दिया, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बजान इनका बेल करनी पड़ेगी समथिंग तब खोलेंगे, बट ओपन कर दिया। ये है इनकी यहाँ पर डोर और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पर बैकअप करनी होगी, मुझे करनी है डिलीवरी सो पूछना पड़ेगा इनसे अंदर जाके कि बैकअप उस साइड करनी है या एक डोर यहाँ पर बनी हुई है वहाँ करनी है, सो पूछती हूँ देन देखते हैं। ये बहुत ऐसे मतलब पूरे खेतों के बीच में एक कंपनी है, इधर उधर खेत है बीच में कंपनी है। वेल मैं इस कंपनी में आई हूँ और इन्होंने मुझे सेफ्टी ग्लासेस दिए हैं, वो कहते हैं बैकअप कर लो उसके बाद आप ये सेफ्टी ग्लासेस लगा के ही अंदर आना और सेफ्टी वेस्ट पहन के। सो बैकअप करने लगी हूँ, पहले देखती हूँ कौन सी डोर अवेलेबल है। पहनने के बाद ना मुझे थोड़ी सी जमीन नीचे नीचे सी लग रही है, पता नहीं क्यों। अंदर जा रही हूँ, अभी चलते हैं डोर की तरफ, उसके बाद देखते हैं। सो मैंने बैकअप लगाई है ये वाले पे G4 पे, ये रहा मेरे वाला ट्रक जहाँ मैंने बैकअप लगाई है। कैसा वेयर हाउस है देखिए, मैं भी वेयर हाउस में काम करने वाली ही लग रही हूँ। ग्लासेस लगा के, इस ग्लासेस के बाद ना मुझे ज़मीन थोड़ी सी नीचे लग रही है, हाँ अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे लगाने के बाद सब कुछ थोड़ा दूर दूर सा लग रहा है। ये मेरी लास्ट डिलीवरी है, बैकअप करनी है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास स्पेस नहीं है बैकअप के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऐसे ले जाके फिर ट्राई करती हूँ उधर लेके जाना। टफ है यहाँ बैकअप खासकर इस कार की वजह से। पता नहीं होगी भी या नहीं बैकअप, मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ का। अगर ये कारें ना खड़ी हो तब तो फिर भी हो जाएगी, बट कार की वजह से बहुत मुश्किल है। आसार हैं, सबसे बड़ी तो ये कार खड़ी है बीच में। नहीं कोई बैकअप नहीं लग सकती यहाँ, कहना पड़ेगा अंदर कंपनी में जाके यहाँ पर बैकअप करनी है, बट वो मेरे लिए ये कार ना पूरा सा बीच में आ रही है, सो मैंने लोगों को बोला ये कार हटा दो यहाँ से, देखते हैं क्या करते हैं लोग।
क्योंकि मैं ना ऐसे करके उधर ही ले जाना पड़ा, उधर स्पेस नहीं है, उधर दीवार है, वो मुड़े सीट काइंड ऑफ है। सो अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए लगाना पड़ता। मैंने आज 3 डिलीवरियाँ कर ली और 2 पिकअप हो चुकी हैं। वैसे पिकअप भी 3 थी लेकिन मैं जिस कंपनी के बाहर यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अंदर जाके उससे पूछ कर आई, मेरे कहा कि पिकअप है कोई, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि 2 कंपनियाँ यहाँ पे सेम है। सो उनका क्या होता है कि एक जो दूसरी कंपनी है वहाँ से मोस्टली सारी पिकअप होती है और ये वाली से जस्ट ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है, कभी कभी यहाँ से पिकअप होती है। सो वो कहते हैं कि कोई पिकअप नहीं है यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं अपना ट्रक कहीं साइड में लगा के ना आराम से बैठी हूँ और बाहर बहुत धूप हो रही है, इतने दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज यहाँ पर धूप हो रही है। ऐसे ही है यहाँ का वेदर, कुछ नहीं पता, कभी भी धूप हो जाती है, कभी भी ना बारिश हो जाती है, कुछ भी नहीं आइडिया। सो मेरा आज का दिन में पता है, एक जो दूसरी डिलीवरी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी डिलीवरी थी, उसमें इतना बुरी जगह थी ना वो कि वहाँ पे एक बार ट्रक तो एंटर कर गया, वहाँ पे ना तो बैकअप लगाने की कोई स्पेस थी ना ही वहाँ पर। मैंने उन लोगों से बोला जब बैकअप लगाने के टाइम पर, मैंने कहा कि आप एक कार है आगे होंडा सिविक, उसको हटा दो तो मेरे से बैकअप ढंग से लग जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। वो कहते हैं कि वो बंदा है ही नहीं जिसकी कार है, वो भी ट्रक ड्राइवर है और वो ट्रक चलाने गया। तो मैंने कहा लाइक और कैसे लगाते होंगे बैकअप। मैं तो इसी बात से बड़ी हैरान थी कि इनकी कार खड़ी है, लगता है और कोई आता ही नहीं होगा यहाँ पे। फिर वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, मुझे पूरा ट्रक अपना पीछे 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 ले जाके आराम से ना पूरा सड़क पे वापस लाके फिर उसे मोड़ना पड़ा। सो वो वाली डिलीवरी थोड़ी सी हेडेक वाली थी, बाकी तो सारी लोकेशन जानी पहचानी है, सारी लोकेशन पे मुझे पता है कैसे जाना है, कैसे बैकअप करनी है। एंड अभी बस टाइम पास कर रही हूँ थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर में यहाँ से निकलती हूँ कि यहाँ से कंपनी पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। सो अभी बैठी हूँ आराम से, अभी मैंने ना ट्रक को बंद कर दिया और मुझे पसीने पसीने आ रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, अब ट्रक को ऑन करूँगी और एसी चलाऊँगी और थोड़ी देर आराम से बैठूँगी। वापस कंपनी में आ गई हूँ सारी पिकअप और डिलीवरीज करके। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक ये ट्रक लगा हुआ है, एक ये ट्रक मेरे आगे खड़े हैं। हमें ना ऐसे जाना होता है, फिर वो जो सामने ये वाइट कलर का जो कंटेनर के अंदर ना एक ऑफिस बना हुआ है ये वाला, इसमें जाकर उन्हें बताना होता है कि हम आ गए हैं, ये हमारा मतलब उनको अपना वो देने होते हैं बिल्स, उसके बाद वो डोर बताते हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा अभी खड़े हैं और एक ये है, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। सो मैं भी यहाँ पर अपना ट्रक लगा के आराम से वेट कर रही हूँ। अभी भी कितनी धूप हो रही है और अराउंड 7 o'clock हो चुके हैं। वेल अभी मैं आ गई हूँ अपने अपार्टमेंट में और रात के हो रहे हैं अराउंड 8:30 और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत थक चुकी हूँ एंड इस ब्लॉग की एंडिंग में यहाँ करने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ।